अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़हूर अहमद मुस्तफ़ी और मैं हूँ सैयद फ़हीम साजिद और आप देख रहे हैं ZNN। आज हम बात करने जा रहे हैं सानिया मॉडल टाउन के हवाले से। पाकिस्तान के हिस्ट्री में अगर स्याह दिन देखा जाए कि जिसमें रियासत ने अपने ही शहरियों को तहफ़ फराहम करने के बजाय उनका खून किया, 14 लोग जो है वो मारे गए और 90 लोग ज़ख्मी हुए, यानी आप ये कह सकते हैं कि 14 जिंदगियों को निगल दिया गया, उनको बेदर्दी से मार दिया गया और अपने ही शहरियों को आज तक वो इंसाफ दिलाने में कामयाब ना हो सके। और ये रियासत, किसी भी रियासत महज़ब कौम में ये चीज़ देखी जाए तो पूरी दुनिया में हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि रियासत अपने लोगों को मारे और उसके बाद उनको इंसाफ भी ना दे और उसमें जो मुलविस लोग हों उनको डीग्रेड करने के बजाय, उनको डिसमिस करने के बजाय उनको अपग्रेड करे और उनको प्रमोट करे। हमारी रियासत जो है उसने अपने शहरियों का एतमाद खोया। इस दिन जब ये वाकया हुआ तो हमारे जो दूर दराज रहने वाले लोग हैं उस जगह से जो दूर रहते हैं, जिन्होंने लोगों के सीनों में लगती हुई गोलियां देखी और वो जो मॉडल टाउन मैदान जंग और मैदान करबला बना हुआ था, दरहकीकत तो मैं इसे असर हाजिर की करबला कहूँगा, जिसमें दो किरदार सामने आए कि आप निहत्ते लोगों को जब मार रहे हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि उन्हें मारा क्यों गया, आप हमें ज़रा इस बारे में बताइए। उनको मारा इसलिए गया कि वो चाहते थे कि हमारे माशरे से जुल्म और ज़्यादती का ख़ात्मा हो। उनको इसलिए मारा गया कि वो चाहते थे कि हमारे माशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो, करप्शन का ख़ात्मा हो और जुल्म और ज़्यादती का दौर ख़त्म हो जाए। ख़ास तौर पे हमारे ऊपर जो जागीरदार और ऐसा निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया है जो किसी भी गरीब के हुकूक के तहफ़ के लिए नहीं है बल्कि टोटली है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जागीरदाराना निज़ाम को प्रमोट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी आवाज़ अपने हुकूक की के लिए बुलंद करता है उसको कुचल दिया जाता है, उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है। जी बिल्कुल। इससे ये जाहिर होता है कि हमारी कौम के दो हिस्से हैं, एक तो वो हिस्सा है जो मफलूज है और सोया हुआ है, जिस तरह हमारे जिस्म का कोई हिस्सा सो जाए या मफलूज हो जाए उस पर जो मर्जी आप उस पर बम गिरा दें उसको कोई एहसास नहीं होगा, चूँकि वो एहसास वाली नर्व्स ही ख़त्म हो जाती हैं। और जबकि हदीस पाक जी है कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म के किसी हिस्से में अगर तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है वो उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं बताऊँ आपको कि एक यहाँ तक तो है बात कि उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, उसके बाद से 7 साल गुजर चुके हुए हैं। उससे बड़ा जुल्म ये है कि आज तक हमारे इदारों में मौजूद जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब, उनको इंसाफ दिलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब उनके लब बिल्कुल खामोश हो चुके हुए हैं कि लब कैसे खुले। मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि ये जो नशा होता है ना इख्तदार का, कुर्सी का, ये कोई नया हुक्मरान नहीं आया कि जिसने ये गुल खिलाया हो कि जब तक कुर्सी नहीं थी तब तक तो वो इंसाफ के लिए एक तहरीक उसने बना ली थी और उसका नाम भी तहरीक इंसाफ रख दिया। और आज हम देख रहे हैं कि इसके साथ सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा होने वाला है जिसका ये मतलब मेरिट पे आएगा, तहरीक बे इंसाफ। हाँ, इन्होंने जो काम किया है कि हम जब देखते थे धरने के दिनों में कि ये इन गरीबों के लिए गला फाड़ फाड़ के बोलते थे और सीना तान तान के आते थे और यूं ललकारते थे जैसे यही हक नुमा और हक के कोई पयाम्बर हों या हक। खान साहब हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते थे कि मुआशरा जो है वो कुफर के निज़ाम के हवाले से, उनकी आप बात मशहूर है कि वो अक्सर तक कुफर पे तो चल सकता है, सरकार के मुताबिक निज़ाम को कभी भी बिल्कुल, ये उनके लिए उनकी बड़ी पंच लाइन हुआ करती थी कि मुआशरे जो हैं वो कुफर पर तो चलते हैं लेकिन जुल्म पर नहीं चल सकते। तो अब आपने जुल्म को देखा, जुल्म पर खामोशी इख्तियार की और वो जो रिपोर्ट थी बाकिर नजफी साहब की रिपोर्ट थी उसे उसका क्या बना, उसे भी इन्होंने शाया नहीं होने दिया, पब्लिश नहीं होने दिया, दोबारा इंक्वायरी करवाई गई उसको भी इन्होंने, आप इस हवाले से बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस मुआशरे के अंदर यूं लगता है गोया तीसरी कुव्वत ऐसी है
जो अपने मफाद के लिए काम करती है और वो इदारों से भी बुलंद है, इदारों से भी ज़्यादा मजबूत कुछ लोग हैं आटे में नमक के बराबर, जो कानून को नहीं मानते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान में जिसे कलमा की बुनियाद पर हासिल किया गया था, यहाँ की आवाम तो अब तक इसी ईमान इकान और इस अहद के साथ जी रहे हैं और तमाम कौम एक दूसरे के साथ मिलकर इसलिए हर हालात में जी रहे हैं कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमने तो ये ख्वाब देखा था कानून की बालादस्ती होगी, लेकिन आज कानून की नहीं बल्कि कानून के ऊपर कुछ लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा अहम हैं, जिनकी वजह से दिन दिहाड़े लोग मारे जाएं और उनकी इंक्वायरी भी ना हो। और जिस तरह एक शेर था कि कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, मकतूल ख़ुद गिरा था खंजर की नोक पर। इस तकलीफ़ में यानी ये मुआशरा मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ रहा है। इस मुआशरे को हमें सलाम पेश करना है कि जिन्होंने इन सानहात के बावजूद अपने शहीदों को सीने से लगाकर आगे बढ़ने की ठानी हुई है और आज भी एहतजाज हो रहा है। ये चीज़ देखी जाए कि सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी इस पाकिस्तानी मुआशरे में कि ये वो जिंदा ज़मीर लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने ज़मीर फरोशी नहीं की और इन्होंने इनको ऑफर्स हुई हैं कि करोड़ों रुपए इनको दिए जाएं। ये गरीब लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसा जागीरदार नहीं है। जो सन ऑफ सॉइल्स हैं वो यही होते हैं, धरती का जो यानी मान होते हैं, धरती के वफादार, के जो भी मौसम आए ये उसी धरती पर रहते हैं, बाहर मुल्क नहीं भाग जाते, उनकी जायदादें यहीं होती हैं, उनके माँ बाप की कब्रें यहीं होती हैं। तो आज यानी जिस तरह 17 जून के वाले से हम अपने अंदर भी वही दर्द महसूस करते हैं, अगरचे उस गम में हम किस तरह बराबर के शरीक हो सकते हैं, जिन माओं के लाल उजड़ गए, जिन बहनों के भाई जिनके वीर उनसे जुदा हो गए, वो जो बच्चियां चीख चीख के कह रही थी कि मेरी मामा को आपने क्यों मारा, तो उनके दुख में हम किस तरह अपना बराबर का हिस्सा डाल सकते हैं। हम तो उस दुख को महसूस भी नहीं कर सकते कि ना तो उन्होंने कोई बंदूक उठाई हुई थी, ना ही वो इस रियासत में कोई ऐसे लाडले लोग थे कि जो ब्लैकमेलर्स थे, वो ऐसे लोग थे जो इस माशरे के उन गूंगे लोगों की ज़ुबान बनने जा रहे थे। तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इकबाल ने भी ऐसे लोगों के लिए कहा था कि जो किसी के मसले को, किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते बल्कि वो सोए रहते हैं और ऐसे लोगों के लिए उठते नहीं हैं। आप देख लेना कि इससे बुरी बात क्या हो सकती है, मुर्दा ज़मीरी की अलामत क्या हो सकती है। कि बिस्मा ने एक सवाल किया था, उस बेसाख्ता सवाल का हम जवाब आज तक नहीं दे सके। 22 करोड़ अवाम समेत कोई इदारे का कोई फ़र्द हमें बता दें कि जिसने इस सवाल का जवाब दिया हो कि क्यों मारा, जैसे आपने कहा। इस क्यों का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका और ना किसी ने देने की कोशिश की है, ना कोई संजीदा है इसमें, इंक्लूडेड इमरान खान साहब जो ये कहते थे कि एक साल मतलब ये सारे मॉडल टाउन में जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और जिस दिन मेरी हुकूमत आएगी मैं 1 महीने के अंदर इन लोगों को इंसाफ दूँगा। आप 2.5 साल हो चुके हैं और उन्होंने नाम तक नहीं लिया। अंदाज़ा लग गया, ये जो वक्त गुजरता है ना उसमें इन हुक्मरानों के तो हर लम्हे रंग और होते हैं, गिरगिट के जितने भी रंग होंगे हुक्मरानों के रंग उससे भी ज़्यादा होते हैं। और इस मुल्क में रहकर हमने ये रंग देखे हैं इनके, कि आप इनके ज़ुबान पे यकीन नहीं करेंगे, अगर ये कुछ लिख कर भी दें तो उससे भी मुकर जाते हैं। इसलिए इस आवाम को अपने हकूक़ के लिए कुछ ऐसे चेहरों का इंतखाब करना चाहिए जो इनके साथ दुख सुख में होते हैं, ना कि किसी मुसीबत में बस वो बूट पहन के आ जाएं, या फिर जनाब एक दस्ते तसल्ली रखने के लिए और किसी गरीब आदमी को बस सहारा देने के लिए वक्ती तौर पे। ऐसे लोगों को अब इस आवाम को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सानह मॉडल टाउन में जितने भी लोग शहीद हुए हैं और जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब को आसानियाँ दे और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी मगफिर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो ख़ास तौर पे अवामी तहरीक के कारकुनान हैं उनको हमारा सलाम कि वो आज तक उनके हकूक़ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैदान अमल में हैं। बहुत सारे कारकुनान तारीख़ में देखा जाए, ख़ास तौर पे जैसे दूसरी जमातें भी हैं उनके कारकुनान भी मारे गए, उनके लीडर्स तक मारे गए, लेकिन उन्होंने आज तक उनका नाम नहीं लिया। अवामी तहरीक को हमारा बारहा सलाम कि वो आज तक उनके केस को अदालत में भी कानूनी तौर पे भी उसको लेके चल रहे हैं और सियासी तौर पे भी वो मैदान अमल में हैं। बिल्कुल, हम अपने उन तमाम शहीदों के वरसा को भी सलाम पेश करते हैं और अवामी तहरीक के ऐसे
कारकुनान जिन्होंने अपने शहीदों को फरामोश नहीं किया, उनके खून को बेचा नहीं है, और इस क़यादत को भी सलाम जो बिके नहीं हैं, जो झुके नहीं हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है कि जो वक्ती इब्नुल वक्त हुक्मरान होते हैं वो और होते हैं, और जो असल में दिलों पर हुकूमत करते हैं और अपने शहीदों के साथ भी उनके वारसान के साथ भी होते हैं वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे अफराद होते हैं, और ऐसे अफराद सदियों बाद पैदा होते हैं। अगर हमें इनसे इस वक्त भी कुछ ना सीखा हमने तो हम हमेशा कुछ और चेहरों से डसते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे। खुदा हाफिज़।